नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, राजेश लखीरा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकर कैसे निकाला जाएगा और जो कंपाउंड होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसकी ज्यामिति कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं संकर होता क्या है, संकर किसे कहते हैं, इसको परिभाषा के रूप में कैसे दे कि एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है, वह इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण की अवधारणा पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। तो अब किसी भी कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और उसके अंदर आपको निकालना हो संकरण, तो संकरण कंपाउंड का नहीं होता, संकरण इलामेंट का होता है, किसी तत्व का होता है। कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, इसका मतलब है कि उसका केंद्रीय परमाणु है उसका संकरण निकालना होता है, सेंट्रल मेटल का संकरण, सेंट्रल एटम का संकरण निकालना होता है। जैसे अब संकरण निकालने के लिए अपने को क्या चीज ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहला ध्यान में होना चाहिए संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। संयोजकता कोष कहा जाता है जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा आउटर सेल। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन याद करना बहुत ही सरल काम है। जैसे आप और सारणी के बारे में जानते हो, नहीं भी जानते तो मैंने एक पीरियोडिक टेबल के याद करने की फनी ट्रिक्स बताई थी आपको, तो वो आप वीडियो देखो। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर, आवर्त सारणी की जो पहला वर्ग है उसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, हेलिना। हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे, हेलिना ने कहा रूबी सजी फिरे, हेलिना कहा रूबी सजी फिरे। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, लीना कब्र से फरार। अब दूसरे को याद ऐसे कर सकते हो कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। और ये खास बात होती है, पहले वर्ग के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहले वर्ग के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वर्ग के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में डी वालों को छोड़ो, 13वें वर्ग पर आओ सीधे, 13वें वर्ग के बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन, 14वें के चार, 15वें के पांच, 16वें के छह, 17वें के सात, 18वें के आठ। इस प्रकार से अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन याद हो जाएंगे, या वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 13वें को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी। या आप जब भी सब्जी लाने जाते हो, थैला लेकर जाते हो, तो आपने क्या क्या लिया, बैंगन आलू गाजर इन थैला। चौदह इसके बारे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14वें के बारे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। आपने रामायण देखी है। या फिर आप ऐसे याद रखो, काशी गए शंकर प्रभु। तो अपने को याद करना है, कैसे याद कर लो। इसके बाद में 15वें में कि नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। अब ये कोरोना बीमारी आई हुई है, कौन से देश में आ गई, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इनके बारे में कक्षा 5। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो थोड़ा जोर फनी कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, इनके बारी कक्षा है 5 इलेक्ट्रॉन। कि ओ स्टाइल से टिपो, या ओल्ड स्टाइल से टिपो, इनके बारी कक्षा है 6। कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आत्मा, इनके बारे में कक्षा में कितने हिलोजनों के बारे में कक्षा में 7, इनको हिलोजन कहा जाता है।
एक्टिनम आंटी है वो रेडियोएक्टिव है और बाकी इनको कहा जाता है हिलोजन, हिलो का मतलब लवणजन का मतलब जन्म देने वाले। इसके बाद में हिना नीना और करीना, हिना नीना और करीना का अक्षर है रंगीन। तो आप इनको बारी कक्षा में याद हो गए और अपने जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे और याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस फिर देखने हैं एकल बंध। आपको कईयों को ये दिक्कत होती है कि लोन पेयर गिनो, लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं गिनना। आप सूत्र देखते ही आप 5 सेकंड नहीं लगेंगे आप संकेत बता दोगे सूत्र देखते ही। तो लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं गिनना, आप थोड़ा सा बस देखो इस वीडियो को तुरंत ही बता दोगे। तो एकल बंध के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन व हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और इनके बारे कक्षा में 7 होती हैं, तो एक और चाहिए 8 होने के लिए। तो ये सदैव एकल बंध बनाते हैं हाइड्रोजन व हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन होता है वो सामान्य द्विबंध बनाता है, या नए भी बनाता हो तो आपको इस सूत्र में मानना है कि वो द्विबंध बनाता है। हाइड्रोजन व हाइड्रोजन एकल बंध और ऑक्सीजन द्विबंध, इतना सा ध्यान रखना है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, यदि ऋणायन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ऋणायन होगा तो आपको जोड़ना है, धनायन जितना भी धनावेश है तो उसको उतने इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं, जितने ऋणावेश है उतने जोड़ने हैं और धनावेश है उतना घटाना है, और फिर 2 का भाग दे देना है। यदि ये मान आ जाए 2 तो संकर्ण होगा sp, यदि ये मान आ जाए 3 तो संकर्ण होगा sp2, यदि ये मान आ जाए 4 तो संकर्ण होगा sp3, यदि ये मान आ जाए 5 तो संकर्ण होगा sp3d, ये मान आ जाए 6 तो संकर्ण होगा sp3d2, ये मान आ जाए 7 तो संकर्ण होगा sp3d3। अब ये भी संकर्ण होते हैं dsp3 d2sp3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं, ये जैसे K2Cl2O7 में होते हैं। तो ये बहुत से प्रकार के संकर्ण होते हैं। तो अपने आज कैसे संकर्ण निकालना है वो तरीका पढ़ रही हैं। सबसे पहला काम होगा अपने संयोजकता कोष में यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, एकल बंध के लिए हाइड्रोजन व हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। यदि कोई माइनस चार्ज होगा तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं और प्लस होगा तो उसको घटाना है, यानी कि माइनस को प्लस माना है, प्लस को माइनस करना है। इतना सा काम कर देंगे अपने तो आप संकर्ण है वो आराम से बता देंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेथेन की। मेथेन में किसका संकर्ण निकालना है? कार्बन का। कार्बन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो देखो कार्बन 14वें वर्ग का है, 14वें वर्ग के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कोई सा भी आ जाए, काशी गए संकर प्रभु, कोई सा भी आ जाए, बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15वें वर्ग का है तो बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। जैसे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है, बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जैसे BeCl2 कौन से का है? दूसरे का। दूसरे के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बोरोन कौन से का है? 13वें का। तो बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 13वें के बारी कक्षा में 3। एक्सी हिना नीना और करीना, एक्स जिनोन 18वें वर्ग का है, बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। प्लस करना है बाप को एकल बंध। अब ध्यान देना एकल बंध में हाइड्रोजन व हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं, तो हाइड्रोजन है तो 4 जोड़ दिया, ऋणावेश धनावेश है ही नहीं किसी पर ही, तो और कुछ करना नहीं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एकल बंध हाइड्रोजन हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं, फ्लोरीन कितनी है? 3। फ्लोरीन यहां पर 2 और यहां पर है ही नहीं, ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ने हैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, तो सिंगल बंध बनाने वाले है ही नहीं, यानी कि एकल बंध बनाने वाले यहां पर है ही नहीं। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 4 4 है 8/2, 8/2 कितना जाएगा? 4, और 4 आ जाएगा उसका संकर्ण sp3, तो क्या हो जाएगा इसका संकर्ण? sp3। देखो 5 3 8/2 4, तो क्या हो जाएगा sp3, 4 आती है sp3, 6 2 8/2 4, 4 आ जाए तो sp3, 2 2 4/2 2, और 2 आई तो क्या होगा sp3, 3 6/2 3, 3 आ गया तो sp2।
देखो तीन आ गया था इसपे टू, देखो तीन आया इसका मतलब एक ऐसा दो पी, टोटल तीन, इनका जोड़ भी तीन होना चाहिए, एक ऐसा गया दो पी तो तीन आ गया। जैसे आठ दो दस बटे दो पांच, पांच आएगा तो एक एस तीन पी और एक डी, तीन एक चार एक पांच, तो पांच आ जाएगा एसपी थ्री डी। इसी प्रकार आठ बटे दो चार, चार आ जाए तो एसपी थ्री। यानी बहुत ही सरलता से आप संकर्ण बता सकते हो, और संकर्ण नहीं इसे ज्यामिति भी बता सकते हो। इस सूत्र में लोन पेयर गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने इस सूत्र से संकर बता सकते हैं, और संकर बताकर अपनी ज्यामिति भी बता सकते हैं, लोन पेयर भी बता सकते हैं, बाद में अपने बता सकते हैं। संकर बताने के लिए अपने को लोन पेयर की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने संकर के आधार पर लोन पेयर अपने बता सकते हैं। वो बताएंगे आपको कैसे बता सकते हैं बहुत ही सरलता से। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके संकर बताते हैं अपने। जैसे CCl4 में कार्बन का संकर निकालना हो तो कार्बन 14 युगल का है, 14 युगल की बारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, पहले से एकल बंध कितने 4 में 2 का भाग दिया तो 4 आया, संकर क्या होगा sp3। 4 वाले का संकर sp3, ये देख लो 2 वाले का sp, 3 वाले में 1s और 2p तो sp2, 4 वाले में 1s और 3p तो sp3, 5 वाले में 1s 3p और 1d तो sp3d, 6 वाले में sp3d2 और 7 वाले में sp3d3। अब देखो PCl3 है तो फास्फोरस है, वो 15 युगल का है, नाना पाटेकर, इसके बारे में कक्षा में 15 युगल के बारे में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, एकल बंध है, हेलोजन है, हाइड्रोजन हेलोजन एकल बंध बनाते, तो एकल बंध कितने 3, 5 और 3 8 बटे 2 4, तो sp3। देखो सल्फर के बारे में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6, एकल सल्फर देखो 16 युगल का है, और सलमा सिले की तेरी पॉकेट, तो 16 युगल के बारे में कक्षा में कितने 6, एकल बंध 6 2 8 बटे 2 4, तो क्या हुआ sp3। इसके 6 और अब की बार एकल बंध कितने 4, 6 4 10 बटे 2 5, तो क्या आ जाएगा sp3d, 5 आ गया ना। अब देखो हेलोजन है, बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के हेलोजनों के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो 7, एकल बंध कितने, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए 5 बटे 2, 7 5 12 बटे 2 6, sp3d2। यहां पर हेलोजन है, बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7, एकल बंध कितने हैं 3, 7 3 10 बटे 2 5, 5 होगा तो sp3d। यहां पर जिनोन, जिनोन के बारे कक्षा में निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैसों के बारे कक्षा में 8 18 युगल के बारे कक्षा में 8, एकल बंध कितने 2 8 2 10 बटे 2, कितना आ गया 5, तो संकर क्या हो जाएगा sp3d। और यहां पर HCl4 है तो देखो एकल बंध यहां पर कितने हो गए 4, जिनोन के बारे कक्षा में 8, एकल बंध 4 बटे 2, तो 8 4 12 बटे 2, कितना मान आ गया 6, और संकर हो जाएगा sp3d2। इसी प्रकार है CF6 में जिनोन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8, एकल बंध कितने 6 बटे 2, 6 8 से 14 बटे 2, कितना माना गया 7, 7 आ गया तो sp3d3। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही यानी कि 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको संकर बताने में। जिनोन के बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिनोन निष्क्रिय गैस 18वें वर्ग का है, 18वें वर्ग के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो देखो जिनोन के बारे कक्षा में 8, एकल बंध कितने हैं, ऑक्सीजन द्वि बंध बनाता है, एकल बंध क्या हो गया 0, तो 8 प्लस 0 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 आ गया तो संकर ने sp3, 3p और 1s sp3 संकर। अब देखो जिनोन 8, ऑक्सीजन है, एकल बंध बनाता है तो 0, एकल बंधों की संख्या है नहीं, 2 का भाग दिया 4, तो संकर ने sp3। इधर देखो श्वेता कोष में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, एकल बंध ऑक्सीजन द्वि बंध बनाता है लेकिन फ्लोरीन एकल बंध बनाता है, फ्लोरीन वाले जोड़ दो 2 8 2 10 बटे 2 5, तो sp3d। इधर देखो 8, एक ऑक्सीजन द्वि बंध बनाता है, फ्लोरीन 4 है तो 4 जोड़ दो 8 4 12 बटे 2 6, sp3d2। तो यहां पर सल्फर और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट या ओल्ड स्टाइल से टिपो, यहां सल्फर देखो इस पूरे की बारे में कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके परमाणु क्रमांक भी याद होने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर से देख लिया करो बस, ऑक्सीजन के बारे में कक्षा में 6 है ना, तो इनके भी बारे में कक्षा में 6, इसके भी 6, इसके भी 6, श्वेता कोष में ऊपर वाले की बराबरी होते हैं, और छोटों के परमाणु क्रमांक अपने को याद भी रहते हैं,
छोटू के बारे कक्षा में अपने ज्ञात भी कर सकते हैं सरलता से। तो जैसा ऊपर वाले का होता है वैसे ही नीचे वाले का होता है। इसका बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? छह। तो यहां पर भी सल्फर है छह, इसके भी बारे सॉरी आगे देखिए ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है तो जीरो, तो छह प्लस जीरो छह, दो का भाग दिया तीन, तो एस पी टू। यहां पर छह ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, दो का भाग दिया तीन, तो संकरण क्या हो जाएगा? एस पी टू। यहां पर सेलेनियम, सेलेनियम के बारे में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अपने को ये तो पता है ये 16वें नंबर का है। और शर्मा छिलेगी तेरी पॉकेट या ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो इसके बारे कक्षा में छह है तो सभी की बारे कक्षा में छह होगी। तो बारे कक्षा में छह एकलबंध कितने हैं? चार। छह चार दस बटे दो पांच, संकरण क्या हो जाएगा? एच पी थ्री डी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15वें नंबर का बारे कक्षा में कितने? पांच। एकलबंध कितने? तीन। 5 + 3 = 8 / 2 = 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन है निकालना बड़ा आसान काम हो चुका है। यदि ऋणावेश हो तो उसको जोड़ना है, ऋणावेश हो तो उसको जोड़ना है। जैसे कार्बन के बारे कक्षा में चार और एकलबंध कितने? तीन। और ऋणावेश क्या है? एक है, तो एक जोड़ दो, चार चार 8 / 2 = 4, संकरण क्या हो जाएगा? sp3। इसी प्रकार सल्फर के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। वो एकलबंध है नहीं तो एकलबंध 0, -2 है तो 2 जोड़ दो, 6 तो 8/2 = 4, तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। फास्फोरस बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो ये आपको याद हो गए होंगे 15वें के नाना पाटिल सबसे बिछुड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, और एक इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर लिए? 3। तो 5 × 3 = 8/2 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। यहां पर नाइट्रोजन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एकलबंध कितना? 0। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? 1, तो क्या हो जाएगा? 3। 5 × 6/2 = 3, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। कार्बन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। दो एकलबंध है नहीं, 2 ग्रहण कर लिए, 8/2 = 4, तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो i3-, अब देखो i3- में हाइब्रिडाइजेशन किसी परमाणु, एक परमाणु का होता है, तो एक परमाणु को आयोडीन को बीच में बिठा दो, और हो सकता है कि इस प्रकार से हो, शायद नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, आयोडीन बीच में बैठ गया, इसके साथ दो आयोडीन है और इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो देखो आयोडीन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एकलबंध कितने हैं? 2, यानी कि I3 है, इसको I2 तो लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि इसका तो निकालना है, तो जुड़ी हुई कितनी आयोडीन है? 2, तो एकलबंध कितने बन सकते हैं? 2, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। 7 × 3 = 10/2, कितना माना गया? 5 आ गया था sp3d। तो इस प्रकार से आप हाइब्रिडाइजेशन है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, यानी माइनस आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जितने माइनस है, जैसे -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, -2 है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। यदि धनावेश उपस्थित हो तो इलेक्ट्रॉन को कम करना है, धनावेश हो तो माइनस करना है, घटाना है। यानी कि अब देखो कार्बन के पारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, एकलबंध कितने? 3। हाइड्रोजन और हेलोजन एकलबंध बनाते हैं, एकलबंध 3 प्लस है, 1 प्लस है तो एक कम कर दो, तो 4 × 3 = 7 में से गया 6 में 2 का भाग दिया 3, तो क्या हो जाएगा? sp2 संकरण। नाइट्रोजन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एकलबंध कितने? 4 प्लस, 1 प्लस है तो इसको एक कम करना है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना, तो एक कम कर दिया, तो 5 × 4 = 9 में से गया 8 × 4 sp3। अब देखो ऑक्सीजन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एकलबंध कितने बनाए? 3। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 × 3 = 9, कितना आ गया? 4 sp3। नाइट्रोजन के बारे कक्षा में कितने? 5। ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 5 में से गया 4 में 2 का भाग दिया 2, और क्या गया संकरण? sp। हेलोजन के बारे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एकलबंध कितने बनाए हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 × 6 = 12, 13 में से गया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया था sp3d2। यहां पर बारी कक्षा में 5। एकलबंध कितने? 3। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2, कितना आ गया? 3, संकरण क्या होगा? sp3।
देखो पांच और तीन आठ, आठ में से दो गए पांच, तीन आठ, आठ में से दो गए सिक्स, सिक्स में दो, तो संकर क्या जाएगा एस पी टू। इस प्रकार से आप संकर निकाल सकते हो, प्लस हो तो कम करना है बस। केमिस्ट्री में सामान्यतः वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपवाद होते हैं, तो कुछ अपवादों की बात करते हैं। तो B2H6 को आप जानते हो, इसे क्या कहा जाता है, डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या होता है, इस प्रकार से B2H6 है वो क्या बना लेती है, ये इस प्रकार से एक अतिरिक्त बंध बन जाता है जिसको आप बनाना बॉन्ड या केला बॉन्ड या कदली बॉन्ड कहते हैं, जिसके कारण से अब देखो इसमें चार बंध हो गए, जिसके कारण से इसका संकरण क्या हो जाता है sp3 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना B2H6 में कौन सा संकरण होता है sp3 बोरोन का, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो चार पांच लिखे हैं इनमें से ही आता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा गौर से देखें। NSiH3। अब देखो नाइट्रोजन के पास पारी कक्षा पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर कभी तो ये इसको देता है, कभी ये इसको देता है, कभी ये इसको देता है, एक साथ नहीं दे पाने के कारण इसमें संकर क्या रह जाता है इसका sp2। नहीं तो आप किसी भी सूत्र से निकालोगे ना, अपवाद सभी सूत्रों के लिए है, किसी भी संकर निकालने किसी भी सूत्र से निकालोगे तो गलत आएगा इनका। तो आप ध्यान देना कि ये लोन पेयर कभी इसको देता है, कभी इसको देता है और कभी इसको देता है, जिसके कारण ये किसी कोई किसी वाले में भी काउंट नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। SiO2 है वो SiO2 मॉलिक्यूल नहीं है, SiO2 तो इसका ये मूलानुपाती सूत्र है, इस प्रकार से है ये SiO(SiO)। इस प्रकार से इसका जाल बना होता है, तो SiO2 जो जिसको अपने रेत कहते हैं, इसके कारण इसका संकरण क्या हो जाता है sp3। देखो चार सिग्मा बंध बन रहे हैं चारों तरफ, तो सिग्मा बंधों की संख्या भी काउंट करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो SiO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। SiC जिसको कार्बोरेंडम कहा जाता है उसका भी संकरण sp3 होता है। SiC में क्या होता है, ऐसा होता है SiCCCC, फिर उसके बाद में SiSiSi, इस प्रकार से होता है। तो चारों तरफ कितने सिग्मा बन गए, चार, तो संकरण क्या हो जाएगा इसका भाई sp3। तो SiC B3N3H6, B3N3H6 को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन की बात ही होती है इसकी संरचना। बेंजीन आप जानते हो बेंजीन कैसी होती है, बेंजीन ऐसी कि यहां पर कार्बन 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 नाइट्रोजन सॉरी कार्बन 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 इस प्रकार से होता है। कार्बनिक बेंजीन में तो यहां पर पूरे में कार्बन होते हैं, लेकिन अकार्बनिक बेंजीन में तीन तो बोरोन होते हैं, तीन ही नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, कभी एक बार इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको दे पाता है, और बाकी छह हाइड्रोजन है, तो इसको कहा जाता है कार्बनिक बेंजीन। तो इसमें देखो इस नाइट्रोजन का संकरण निकालोगे तो तीन बंध है, बोरोन का बोरोन के अंदर भी तीन ही सिग्मा बंध बन रही है, और नाइट्रोजन में भी तीन सिग्मा बंध बन रही है, तो क्या होगा संकरण sp2। तो कार्बनिक बेंजीन का संकरण sp2 और कार्बनिक बेंजीन का भी संकरण sp2 होता है कार्बन का, तो ये अपवाद ध्यान रखना। आगे बात ध्यान में, बाकी सभी जगह अपना सूत्र काम करेगा बहुत ही सरल, की संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन देख लो, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, और ऋणावेश यानी कि एनाइन को जोड़ना है, और धनावेश है इसका मतलब क्या करना है, कम करना है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेड कर ले तो जुड़ जाएगा, और इसमें जोड़कर दो का भाग देना है। तो आप इस तरीके से आप आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हो। अब संकरण के आधार पर आप ज्योमेट्री है वो आसानी से बता सकते हैं। sp संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति होती है रेखीय, sp संकरण की ज्यामिति रेखीय, sp संकरण हो तो बंध कोण 180 का होता है, sp2 हो तो इसकी ज्यामिति होती है
समतल त्रिकोणीय, ये समतल त्रिकोणीय समतल पर रखी जा सकती है और बॉन्ड एंगल होता है 120 का, और एस 120 का होता है। अब देखो जैसे बी एच थ्री बी एफ थ्री इस प्रकार का बी बीच में बैठेगा, तीन एफ जुड़ गई। यदि दो ही जुड़ने वाले हो तो क्या आ जाएगा, एक जगह लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं, तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वी सेप वी आकार की, यानी कि एसपी टू संकर्ण हो और एक लोन पेयर आ जाए तो ज्यामिति वी आकार की। अब आपको लोन पेयर याद करने पड़ेंगे क्या, नहीं, पहले संकर्ण निकालना है, एसपी टू संकर्ण आ जाए और फिर देखना जुड़ने वाले दो ही है, जुड़ने वाले दो ही हो तो फिर ज्यामिति कैसी हो जाएगी, वी आकार की हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि चतुष्फलकीय ज्यामिति हो तो चतुष्फलकीय ज्यामिति एसपी थ्री संकर्ण में होती है, एसपी थ्री संकर्ण हो तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होती है, देखो इस प्रकार की ज्यामिति को चतुष्फलकीय ज्यामिति कहा जाता है। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, बंद कोणों की संख्या 6 होती है और इसको कैसे भी घुमा लो चतुष्फलकीय दिखेगी, देखो ऐसे 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 किसी भी तरीके से घुमा लो से ये चतुष्फलकीय दिखेगी। यदि एक जैसे इसका एग्जांपल मेथेन मानो, कार्बन बीच में कोणों पर हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर होता, इसका एग्जांपल अमोनिया, देखो अमोनिया कैसी होती है, यहां पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में योगदान नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ज्यामिति निर्धारण नहीं करते, तो इसको कैसी ज्यामिति कहेंगे, पिरामिडी, पिरामिडी। दो लोन पेयर आ जाए जैसा जल, तो जल की ज्यामिति यहां पर दो लोन पेयर आ गए तो ये ज्यामिति को अपने कैसी ज्यामिति कहेंगे, वी शेप कहेंगे, वी आकार की। एक और लोन पेयर आ जाए तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी, रेखीय, यानी कि तीन जैसे एक्स ई ओ, एक एक्स है एक ओ है तो ये ज्यामिति कैसी हो जाती है, रेखीय। यदि एसपी थ्री डी संकर्ण हो, एसपी थ्री डी संकर्ण हो तो इसको कहेंगे त्रिकोणीय द्विव पिरामिडीय, यानी कि ट्राइंगल बाई पिरामिडल ज्यामिति कहेंगे। जैसे ये समतल त्रिकोणीय है, इसके दो पिरामिड है ऊपर, एक पिरामिड ये आ गया और एक पिरामिड ये आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विव पिरामिडीय ज्यामिति कहेंगे। अब एक लोन पेयर आ जाए, मान लो एक लोन पेयर आ गया ये, तो अब देखो इस ज्यामिति को कहा जाता है, इस ज्यामिति का नाम बताओ क्या नाम होता है, इसको कहा जाता है सीसा, क्या कहा जाता है, सीसा, आपने देखा होगा SF4 में पाई जाती है, यानी कि एक लोन पेयर आ गया SF4 में, S बीच में बैठा है, F4 है, जैसे TeCl4 है, तो इसको ज्यामिति को सीसा या डेकुली या फिर इसको विकर्ण चतुष्फलकीय भी कह देते हैं कई बार, तो चतुष्फलकीय ये थोड़ी सी विकृति आई है चतुष्फलकीय में, तो इसको क्या कहें, विकर्ण चतुष्फलकीय है या सीसा, सीसा नाम ज्यादा आता है। और यदि एक लोन पेयर और आ जाए तब देखो इस ये ज्यामिति कैसी होगी, टी टी शेप, जैसे CLF3 में कैसी ज्यामिति होती है, टी शेप, Cl बीच में आ गया और तीन फ्लोरीन जुड़ गए। एक और लोन पेयर आ जाए तब कैसी बचेगी, वी आकार की। एक और लोन पेयर आ जाए तो कैसी बचेगी, रेखीय बचेगी। इसी प्रकार sp3d2 संकरण हो तो ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल देखो DSP2 संकरण होना तो ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय। ऐसे ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहेंगे, वर्ग समतलीय। तो ये ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय, और वर्ग समतलीय के दोनों तरफ पिरामिड आ जाए तो मान लो एक पिरामिड ऊपर आ गया एक पिरामिड नीचे आ गया, तो इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कह देंगे, अपने अष्टफलकीय ज्यामिति कहेंगे। अब इसको अष्टफलकीय क्यों कहेंगे, इसको ढकना पड़ जाए ना अपने को, तो ढकना पड़ जाए तो एक ऐसे ढक्कन लगाएंगे, एक ऐसे दो, एक तीन चार पांच छह सात और आठ, यानी कि इसको पूरा ढका जाए, अपने कागज के टुकड़े लगाए काट काट कर, तो कितने फलक बनेंगे, आठ। इसलिए ज्यामिति को अष्टफलकीय ज्यामिति कहा जाता है। एक लोन पेयर आ गया तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग समतल, यानी कि स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, एक पिरामिड है उसे ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, वर्ग समतलीय है पिरामिड है। एक लोन पेयर आ गया नीचे, दो लोन पेयर आ जाए तो एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग समतलीय है ही कहेंगे, क्योंकि लोन पेयर आ गए दो। तो इस प्रकार से लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, तो ऐसा आपने ज्यादा पढ़ेंगे VSEPRT। और यदि sp3d3 संकरण हो तो इसकी ज्यामिति होती है पंचकोणीय द्विव पिरामिडीय, यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ जाता है तो इसको कहा जाता है विकृत अष्टफलकीय, और ऐसी ज्यामिति पाई जाती है
पंचकोणीय द्वि पिरामिडी परफेक्ट पेंटागोनल बाई पिरामिडल पाई जाती है आई एफ सेवन में। आई एफ सेवन में क्या होता है देखो कि इस प्रकार से वर्ग समतल चार नहीं पांच है, पांच बंद तो इस प्रकार से है, ये देखो इसको क्या कहेंगे पेंटागोनल, पांच वन टू थ्री फोर फाइव पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब एक पिरामिड नीचे बढ़ जाएगा एक पिरामिड ऊपर बढ़ जाएगा बाई पिरामिडल, एक लोन पे रहता है जैसे एक्सी एफ सिक्स है, एक्सी एफ सिक्स में देखो इस प्रकार की ज्यामिति बन जाएगी, एक ऊपर नीचे वाला तो है साइड में चार ही बच्चे हैं लेकिन ये यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर एक क्या है लोन पेयर है, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है तो इसको कहा जाता है विकृत अष्टफल क्या है। तो ये आपने बी एस सी पी आर टी पढ़ेंगे उसमें आपको विस्तार से बताएंगे, एम ओ टी पढ़ेंगे उसी में अपने आएगा, तो आप ये हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस सूत्र से जितने भी एग्जाम्पल है वो निकालने का प्रयास करें। आप मेरा वादा है कि आप 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप कंपाउंड को का संकरण बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 सेकंड लगेगा ही नहीं बस देखते ही बता देंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन ये है। धन्यवाद।